बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ, मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। और आप आज की जो वीडियो देख रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक में हमारे पास क्वेश्चन के लिए गिवन है 5 पार्ट है। न्यू बुक मैथमेटिक्स की जो इंट्रोड्यूस हुई है हम उसके देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया है, आपको जिस तरह पार्ट बोल रहा है आप उस तरह उसको सॉल्व करोगे। सही है, स्टार्ट करते हैं। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो। सही है, तो हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारे को दिया हुआ है ए इनवर्स, फिर इनवर्स इज इक्वल टू ए। एक दफ़ा ए इनवर्स लेना है, फिर एक और दफ़ा इनवर्स लेना है, ए का आंसर सेम आ जाएगा, ये करना है। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। ए इनवर्स, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो दोनों चीज़ें हम निकालेंगे, थोड़ा स्टेप शॉर्ट करके करेंगे। देखो शॉर्ट स्टेप कैसे करेंगे शॉर्ट सवाल में, तो एडजॉइंट सबसे पहले आप निकालो। एडजॉइंट क्या आएगा आपका, इन दो की जगह चेंज, इन दो की साइन चेंज, 5, 11, बाकी दो की साइन चेंज, 7, -1, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए के लिए आप कैलकुलेटर उठाओ। कैलकुलेटर में आप देखो क्या लिखोगे, 11, आप क्या लिखोगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 -7 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो ये लिखने के बाद आपके पास कैलकुलेटर आंसर देगा -15, जो आपने नीचे कॉपी कर दिया। देखो दो चीज़ें जो लंबी स्टेप में होनी थी हमने शॉर्ट कर दी। अब ये 15 हर किसी के नीचे आ जाएगा, 5 अपॉन -15, -10 अपॉन 15 माइनस का, फिर -7 अपॉन -15, 11 अपॉन -15, आपने वैल्यूज निकाल ली। आगे आ जाते हैं, जहाँ कटिंग होगी कटिंग करनी है, 5 1 5 5 3 15, माइनस कभी भी नीचे बचे ऊपर लिखते हैं। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपके बचा 7 अपॉन 15, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों जगह देखो माइनस था। सही, और 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 5 2 10 5 3 15, तो 2 अपॉन 3, ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, कटिंग नहीं होगी, 11 अपॉन 15 एज इट इज, माइनस नीचे था ऊपर आ गया। क्लियर है, ये आपका ए इनवर्स निकल गया। अगेन अब आपको करना है ए इनवर्स का भी इनवर्स निकालना है। तो देखो अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो जो वैल्यू आपने इनवर्स के अंदर लिखी है उसी का एडजॉइंट और उसी का डिटर्मिनेंट निकालें। यहाँ भी हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, देखो स्टेप कैसे मैं डायरेक्ट करता हूँ शॉर्ट करने के। सबसे पहले अगर एडजॉइंट निकालता हूँ ए इनवर्स का, इसका एडजॉइंट निकालूंगा, दो की जगह चेंज, -11 अपॉन 15 आपका इधर आ जाएगा, यहाँ पर है -1 अपॉन 3 है, यहाँ पर आपके पास इन दोनों की साइनें चेंज होनी है, तो -7 अपॉन 15 हो गया और ये वाला आपका -2 अपॉन 3 हो गया। क्लियर, ये आपने निकाला। उसके बाद नीचे आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। ये चीज़ अगर आप चाहो तो आप अपने पास रफ़क में कर सकते हो, मैं आपको रफ़क देखो यहाँ समझा रहा हूँ कैसे करेंगे। रफ़क में देखो आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, -1 अपॉन 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है -11, थोड़ी सी बड़ी जगह में करा देता हूँ तो आसानी हो जाएगी। सही है, बाद में मिटा देंगे उसको रफ़क, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो -1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय -11 अपॉन 15, फॉर्मूले का माइनस होता है, मेथड का माइनस समझो आप। सही, 7 अपॉन 15 को आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना 2 अपॉन 3 से। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन देखो, माइनस माइनस प्लस, 11 1 11, 15 3 45, फिर माइनस की साइन है, 4 2 7 2 2 14 और 15 3 45। नीचे एलसीएम सेम होता है तो नीचे भी सेम आ जाता है और ऊपर भी हमारा सेम नंबर आ जाता है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, अच्छा यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 5 1 5, सही है। अच्छा यहाँ पर इसको माइनस करके हमारे पास आ रहा है -3 अपॉन 45, 3 1 3, 3 के टेबल में 45 कब आता है पता नहीं एक साथ, तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो जैसे, और डायरेक्ट बारी बारी भी कर सकते हो। 3 1 3, 3 5 15, देखो ऊपर माइनस आ रहा है, नीचे 15 आ रहा है। सही है, अब ये वैल्यू सबसे डिवाइड होगी, तो इसके लिए मैं स्टेप ये करूँगा, डिवाइड वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं, तो हर किसी के साथ मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिखूँगा। देखो कैसे, -11 अपॉन 15 है, इसको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन -1, यहाँ पर है -7 अपॉन 15 पहले से मौजूद है, रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1 अपॉन 15 और माइनस के साथ, सॉरी यहाँ 1 अपॉन 15 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 15 अपॉन -1, यहाँ पर -2 अपॉन 3 पहले लिखोगे, उसके बाद आपके पास क्या नंबर है, 1 अपॉन 15 है, इसको रेसिप्रोकल आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 15 अपॉन -1। नेक्स्ट हमारे पास -1 अपॉन 3 है, इसको भी आप रेसिप्रोकल करोगे तो 15 अपॉन -1 हो गया। सही है,
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया 11। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया आपका। अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 15 11 बच गया। यहाँ भी देखो 15 से 15 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 5 15, तो 2 5 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 5 15। माइनस से माइनस कैंसिल बोलो या माइनस माइनस प्लस, बात एक ही रहेगी। सही, आपके पास ये आ गया, ये ए इनवर्स, उसका इनवर्स आपने जो निकाला वो ये आया। और अगर आप क्वेश्चन पे देखो तो ए भी आपके पास 11 7 10 5 यही था, सेम आ गया। तो यहाँ पर आपका हो गया प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है, पार्ट नंबर टू पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर टू में दे रहा है ए बी, फिर उसका इन्वर्स लेंगे दूसरी साइड में, पहले बी इन्वर्स लेंगे फिर ए इन्वर्स लेंगे। तो सॉल्यूशन में देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगा। ए बी मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत समझा दी अच्छे से, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी मल्टीप्लिकेशन के लिए वो ज़रूर देख लें, तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। 1 2 3 और 1, ए को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए आपने कॉलम गिन लिए, सेकेंड मैट्रिक्स में दो कॉलम है इसलिए आपने दो दफ़ा मैट्रिक्स ए इसको उतारना है। तो 11 7 10 5 11 7 10 5, हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई की साइन आनी है आपकी, सही। और हर नंबर से पहले जहाँ साइन नहीं है वहाँ पर प्लस की साइन आपने लगा देनी, क्लियर है। यहाँ पर नंबर लिखेंगे रॉ से, कॉलम से लेंगे रॉ में लिखते हैं, सही है। 1 2 3 और 1, जो नंबर ऊपर है वही नंबर आपने नीचे कॉपी कर देना है, 3 1, ये आ गया। ये हो जाएगा 11 1 11, यहाँ पर है 10 10 2 20, 7 1 7, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 5 2 10, 11 3 33, 10 1 10, 7 3 21, 5 1 5, प्लस कर देते हैं इनको। देखो पी नीचे का जितना भी आ रहा है उसको मिटाने की ज़रूरत है तो मैं मिटा देता हूँ, सही है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। ये आ गया हमारे पास 11 प्लस 20 31, 10 प्लस 7 17, 33 प्लस 10 43, 21 प्लस 5 26, ये मेरे पास आ गया ए बी, क्लियर है। अब मुझे ए बी का इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हम निकालेंगे, सही है। ये सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने वीडियो के पीछे पॉज करके देख लेना है, अगर आपने कोई चीज़ में से कॉपी करनी है तो कॉपी करने के लिए आप पीछे वीडियो को बैक साइड ले जाओगे, सही है। आपने ए बी इन्वर्स निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। मैंने आपको डायरेक्ट समझाया, आपने वैसे ही करना है। ए बी का एडजॉइंट आपने निकालना है ऊपर से देख के, इन दो की जगह चेंज, 26 इधर होगा आपका, 13 इधर आ जाएगा, बाकी दो की साइनें चेंज, प्लस 17 है तो माइनस 17, प्लस 43 है तो माइनस 43, सही है। नीचे डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप कैलकुलेटर लोगे, कैलकुलेटर में आप लिखोगे, मैं भी कैलकुलेटर अपने सामने रख लेता हूँ तो कैलकुलेटर में ही आपको लेके बताऊँगा। तो अगर इसका कैलकुलेशन करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, आप जो कैलकुलेटर में साइंटिफिक यूज़ करेंगे वो डायरेक्ट जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है आपने। देखो आपने क्या लिखना है समझा देता हूँ, यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाय 26 होगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 43 होगा, बीच में माइनस आया, कैलकुलेटर में मैं ये लिख रहा हूँ 13 मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 43, मैंने ये लिख दिया, इसका आंसर आ गया मेरा 393 माइनस का जो वैल्यू आई आपने वो लिख दी। अब ये सबके नीचे डिवाइड हो जाएगी आपकी, सही। अच्छा अब आपको इस सवाल के अंदर प्रूफ करना है ना, तो देखो मैं इसमें एक चीज़ ये कर रहा हूँ कि दोनों चीज़ें प्रूफ करनी, फर्दर डिटरमिनेंट इन्वर्स निकालना हो तो ज़रूर डिवाइड करते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, इसको बाहर लिख रहा हूँ 1/ करके, और इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया अभी सबके बाहर, -43 13, सही। मैंने यहीं तक छोड़ दिया, अगर मेरा दूसरा आंसर भी यही आ गया इसका मतलब मेरा आंसर प्रूव हो गया, दूसरा आंसर नहीं आया तो फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन की नीड पड़ेगी वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे पार्ट में आपको बी इनवर्स ए इनवर्स, पहले आप बी इनवर्स निकालोगे फिर ए इनवर्स निकालोगे फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। देखो कैसे करो, पहले बी इनवर्स, बी इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी इनवर्स निकालता हूँ पहले, तो अब मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए बी मैट्रिक्स देखो 1 3 2 1 दिया हुआ है, दो की जगह चेंज, 1 1 दोनों तरफ दिए हुए हैं, दोनों की जगह चेंज भी करूंगा 1 1 रहेगा,
बाकी प्लस टू प्लस थ्री दिया है तो माइनस टू और माइनस थ्री, ये हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, डिटरमिनेंट के लिए आप वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे, देखो वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो ये आ जाएगा वन वन ज़ा वन होता है, टू थ्री ज़ा सिक्स होता है, वन माइनस सिक्स आपका क्या आ जाएगा माइनस फाइव। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बाहर ही लिख रहा हूँ वन अपॉन फाइव माइनस को, और ये हमारे पास इलेवन वन टू उसके बाद माइनस थ्री और वन, ये आपका आ गया बी इनवर्स। अब आप क्या करोगे, ए इनवर्स निकालोगे, ये हो गया एक पार्ट। नेक्स्ट ए इनवर्स निकालते हैं, ए के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, इलेवन सेवन टेन फाइव, ये इसकी वैल्यू थी ए की। इनवर्स के लिए फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं फार्मूला पहले लिख रहा हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने की हुई है, ये देखो ए इनवर्स आप यहाँ सॉल्व कर रहे थे, ये रहा सही है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ लिखोगे जो एक सवाल में सॉल्व किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ था तो फार्मूला लिख दिया, मसला नहीं, फर्ना फार्मूला लिखने की भी नीड नहीं, तो मैं मिटा रहा हूँ। आप भी क्या फार्मूला नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ए इनवर्स का आंसर पीछे जो यूज़ है वही लिख लोगे। तो आपने ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के बाद आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही थी, अब ये वाली वैल्यू आप लोगे, डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर भी डिवाइड में नहीं लिखा आंसर, सही है। तो फाइव, उसके बाद हमारे पास है फाइव माइनस टेन माइनस सेवन और इलेवन, डिवाइड में है माइनस फिफ्टीन, ये माइनस फिफ्टीन को शुरू में ले आऊँगा तो माइनस वन अपॉन फिफ्टीन ब्रैकेट फाइव माइनस सेवन माइनस टेन इलेवन, ये आपका ए इनवर्स आ गया, सही। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स का जो आंसर आया वो और बी इनवर्स का आंसर है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो सवाल में आपको दे रहा है बी इनवर्स पहले लिखना है, ए इनवर्स बाद में लिखना है, तो बी इनवर्स का आंसर मेरा माइनस वन अपॉन फाइव आया है, फिर बी की वैल्यू ऊपर से देख के मैंने लिखी वन माइनस टू माइनस थ्री वन, फिर ए इनवर्स का आंसर माइनस वन अपॉन फिफ्टीन है, फिर फाइव माइनस सेवन माइनस टेन इलेवन। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा और जो नंबर्स वाली वैल्यू उनको एक साथ ले लूंगा, तो माइनस माइनस प्लस वन वन ज़ा वन, फिफ्टीन को फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा, फिफ्टीन फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय फाइव आपका होता है फिफ्टीन, फाइव ज़ा सेवेंटी फाइव ब्रैकेट, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करूंगा, दो कॉलम है इसलिए इस मैट्रिक्स को दो दफ़ा कॉपी करूंगा, माइनस वन वन माइनस टू फिर माइनस थ्री और वन, हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई की साइन और जहाँ साइन नहीं थी वहाँ प्लस कर दी, एक दफ़ा उतारा वापस गैप के बाद वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस वन, हर किसी के पास मल्टीप्लाई के साइन, सही ये हो गया। उसके बाद यहाँ से नंबर उतरेंगे हमारे फाइव माइनस सेवन माइनस टेन इलेवन, जो नंबर आपका ऊपर कॉपी हुआ है वही आपने नीचे कॉपी कर देना है, सही है इलेवन, सही आपने ये कॉपी कर दिया। अब हमारे पास क्या है, वन अपॉन सेवेंटी फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव माइनस माइनस, कैलकुलेटर में हम कर लेते हैं हमने स्टेप अपना बचाने के लिए, वन मल्टीप्लाई बाय फाइव माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन, तो ये आ रहा है मेरा ट्वेंटी सिक्स, फिर नीचे माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फाइव प्लस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन, ये आ रहा है मेरा माइनस टी माइनस सेवनटीन, फिर आगे वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टेन माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय इलेवन, ये आ रहा है माइनस का 43, फिर हमारे पास आ रहा है माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टेन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय इलेवन, ये आ रहा है हमारा 31, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टेन और वन मल्टीप्लाई बाय माइनस इलेवन, ये मेरे पास आ रहा है 31। अब मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं गलती है, देखो तीन चीज़ें मैच करी है, एक चीज़ मैच नहीं करी, इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिखते हुए या तो गलती की है, और देखो ये रही गलती मेरी, इन दोनों को प्लस करके 31 आ रहा था, सही है, और जब यहाँ 31 होगा तो यहाँ भी 31 आएगा, और डिटरमिनेंट के वक्त भी मेरा सॉल्व करने पर यहाँ पर फिर कुछ और ही आएगा, तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ वापस तो फिर मेरा लाजमी माइनस 15 ही आना चाहिए। मैं फिर भी रीचेक करता हूँ, देखो सॉल्व करके, तो मैं अब यहाँ पर करता हूँ 26 मल्टीप्लाई बाय 31 फिर माइनस, फिर माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय माइनस 43, ये आ रहा है मेरा 75 आ रहा है, पूरा पूरा प्लस 75 आ गया, सही है 75, ये माइनस बटा देता हूँ, हो जाती है मिस्टेक, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर भी करेक्शन कर लेते हैं 31। तो देखो दोनों आंसर मैच कर गए, अगर ये मैच वाले सवाल में तो बहुत आसानी हो जाती है, गड़बड़ हो तो पता चल जाती है, वरना सर भी पकड़, मैं गलती ना मिले तो गलती भी
पकड़ने में सर पकड़ के बंदा बैठ जाता है, सही। तो देखो हमारा दोनों मैच कर गया, तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। आगे हमें क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, मैं बिल्कुल बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, तो बोर्ड क्लियर हो गया। अब मेरे पास तीसरा पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें एडजॉइंट्स निकालने हैं, पहले ए बी, आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया हुआ था, सही है, ये वाले पार्ट में। तो ए बी को जो मल्टीप्लाई करके पार्ट आया था, मैंने वही डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करना है। मैं मिटा चुका हूँ, मसला नहीं है, मैं आप मेरे सामने यहाँ पर सॉल्यूशन मौजूद है, मैंने यहाँ पर पहले से आंसर लिख के रखे थे कि हमारे पास कभी ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन आंसर मेरे पास मौजूद हो। तो मेरे पास ए बी का जो आंसर आया हुआ है वो आया हुआ है 31, 31 आया है, 31, 17, 43 एंड 26। अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा, एडजॉइंट ए बी, तो दो की जगह चेंज 26 इधर आ जाएगा, 31 मेरा इस तरफ आ जाएगा, फिर दो की साइनें चेंज तो -17 एंड -43 एडजॉइंट आ गया, एक साइड सॉल्व हो गए। सेकंड साइड में एडजॉइंट ऑफ बी, ये बी दिया हुआ है, एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल लेते हैं, पहले भी निकाला हुआ है, टाइम तो लगना ही नहीं है एडजॉइंट निकालने में, 3/3 ऑर्डर तो नहीं है। दो की जगह चेंज, दो की साइन चेंज, ए हमारे पास एडजॉइंट, इसका निकाल लेंगे, तो 5 इधर 11 इधर, ये -7 और -10 ये निकल गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 -2 -3 1 एक दफ़ा लिखा, सेकंड टाइम लिखा, हर किसी के बाद मल्टीप्लाई की साइन आ गई मेरी, और यहाँ पर जहाँ साइन नहीं है वहाँ प्लस लगा दिया, सही है। यहाँ पर हमारे पास क्या, 5 -7 -10 11, तो 5 -7 -10 11। कैलकुलेटर आप यूज़ करोगे, कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 26। इस सब को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है -17। इन सब को आप सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है -43। इन सब को सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है 31। दोनों आंसर मैच कर गए, ये हो गया प्रूफ, सही। तो तीन पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 5 के, मैंने तीनों के तीन पार्ट आपको सॉल्व करा दिए हैं, तो सॉल्व हो गए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई मुश्किल है, तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आज आपसे अल्लाह हाफिज़ ले रहा हूँ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें।